साथियों, आप सभी को सलाम नमस्ते आदाब। साहिल गोरखपुरी के ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप पहाड़ देखे हैं, पहाड़ों में बना घर देखे हैं, तो आज हम आपको लेके चल रहे हैं ऐसे घर में जो पहाड़ों पे बना है। और वो कैसे बनता है, मोस्टली आपने वीडियो में देखा भी होगा, जो घर है लकड़ी का है और टीने का है, बहुत सारी चीज़ें हैं और पहाड़ों पे बहुत सारे इंतज़ाम भी हैं। अभी जो हम आज यहाँ जिस जगह खड़े हैं फौरी तौर पे, उनसे बातचीत हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि क्या नाम है, हाँ हो चुकी है, तो आपको हम ले चल रहे हैं, देखते हैं, बताते हैं कि नेपाल में मकान कैसे बनता है। क्योंकि जो पहाड़ों पर लोग रहते हैं, पहाड़ों में जंगल भी है, और जंगल में जो लकड़ियां हैं बहुत मजबूत लकड़ियां होती हैं, उन लकड़ियों का प्रयोग करके ये लोग जो अपना घर बनाते हैं। तो चलिए बने रहिए मेरे वीडियो के अंत तक, हम आपको दिखाते हैं कि पहाड़ों पे मकान कैसे बनता है। ये देख सकते हैं, ये इनका मकान है, और मकान इनका दो तरह का है। आप देख सकते हैं, दूरी से हम दिखा रहे हैं, एक ऊपर जो है जो डिज़ाइन बना हुआ है, डिज़ाइन जो है दूसरे हिसाब से, और ये देख सकते हैं पूरा। और ये जो मकान मालिक हैं वो बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत हो चुकी है, और इधर से नीचे से ऊपर रास्ता आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, जितने नेपाल के लोग होते हैं वो अपने दरवाज़ों के सामने जो है ज़रूर जगह छोड़े रहते हैं, जिसकी वजह से जो है आगे फूल है, पत्ती है, जो देख रहे हैं फूल है, और बहुत सारे चीज़ जो है यहाँ पर लोग बोते हैं। दूसरी बात, इनका मकान जो है अपने रहने बना, जितना उनको ज़रूरत है रहने के नहीं बनाते हैं, ज़्यादा नहीं बनाते हैं, आप देख सकते हैं। बाकी हम लोग इंडिया में रहते हैं तो हम लोग जो मकान बनाते हैं कि हम लोग फजूल बना लेते हैं, बहुत ज़्यादा एरिया घेर लेते हैं, बहुत ज़्यादा घरों में इन्वेस्ट कर लेते हैं। इन्वेस्ट करने से ये होता है कि हमारा जो पैसा ज़्यादा खर्च हो जाता है, और हमारे उस पैसे खर्च कर रहे भी फजूल खर्ची होती है। तो चलते हैं, हम डायरेक्ट उन्हीं से बात करते हैं, देखते हैं ये क्या कहते हैं। देख सकते हैं, और ये रूम है इनका। अच्छा, ये जो है आप लोग कम एरिए में घर बनाते हैं, जैसे जमीन बहुत ज्यादा रहता है फिर भी कम एरिए में बनाते हैं आप लोग, ऐसा क्यों? नहीं, हम एक ऐसे बहुत ज्यादा एरिया है तो इतना ही क्यों बनवाए हैं, जमीन ज्यादा है फिर भी कम एरिया में बनाए हैं आप, कम जमीन में बनाए हैं क्यों? मेरा वही नहीं था। अच्छा, आपका है? नहीं। हाँ, अब बाहर है ना, छह गाड़ी है ना गई बार। अच्छा अच्छा, ये आप लोग का नहीं है? नहीं। हाँ, चलिए, इनका मकान नहीं है, लेकिन ये है कि मतलब हम जितने भी मकानों को देखे हैं वो सारे मकान जो है छोटे जरूरत भर के बनते हैं, और जरूर से जरूर रास्ते इतना जो देख रहे हैं जमीन छोड़ के रखते हैं, जाके इसमें अपना जो है काम हम करके ये देख रहे हैं। तो ये बगल में भी एक मकान है, आप देख सकते हैं ये मकान है अभी बना है वैसे ही। इनके हम पिछले कैमरे से इसलिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझ में आवे कि यहाँ पे इनके पास जो है ज़मीनें ज़्यादा हैं, उसके बावजूद भी मकान है छोटे छोटे बनाते हैं अपने ज़रूरत भर के। ये देखिए, ये जो है इन्हीं का मकान है, ये मकान देखिए बना हुआ पूरा मिट्टी का, लकड़ी का, और कनम है। सबसे बड़ी बात, दो मंजिला है, ये देख सकते हैं। हड़प्पा जो सिंधु घाटी का जो सभ्यता था उसमें भी मकान इसी तरह से दो मंजिला बनता था, मिट्टी की मकान बनती थी, सेम उसी तरह यहाँ पे डबल मंजिला है, मिट्टी की मकान है। और देखिए सर, इन एरिया पूरा जो बचा हुआ है इनका, ये देखिए इधर अपने ज़रूरत भर के सब सामान है। तो पिछले कैमरे से हम आपको दिखाने की कोशिश,
हैं पूरा। ये ऊपर कटरेन है और मिट्टी का मकान है और दो मंजिला है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसी सभ्यता के हिसाब से देखिए यहाँ पर भी लोग जो है नीचे एक महला है, उसके ऊपर जो है डबल महला बना के रखे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है इस छोटे से जगह में हर चीज़ जो है इनका अवेलेबल है। और देखिए ये रास्ता इतना दूरी जो है, ये देखिए हम लोग जो है जगह नहीं छोड़ते हैं अपने वहाँ, लेकिन ये लोग देखिए पूरा भरपूर मात्रा में जगह, देखिए दूरी से हम आपको दिखा रहे हैं कि जगह बहुत कम एरिया में, लेकिन फिर भी जो है अपने रहने भर का घर बनाए हैं, प्लस इधर और जो जानवर रखने का और उसके बाद भी छोड़ा गया है ताकि अपना और भी सामान काम किया जा सके। ये देख सकते हैं ब्लॉग कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर हमें सपोर्ट कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को या हमारे वीडियो को पहली बार आप देख रहे हैं तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, आप सभी को सलाम नमस्ते आदाब, बाय बाय।